ये देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत केदार में कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे केदार में इस प्रकार के लोहे का पूरा अंबार बढ़ता जा रहा है जाएंगे और ये रास्ता सीधे मंदिर के पीछे जाएगा और इस तरफ बैठने के लिए बनाए गए हैं। जो केदार की व्यवस्थाएं हैं वो सभी अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी वजह से भी कई रास्तों पे अभी सही नहीं बन पाए हैं और कई रास्ते अभी खुले भी नहीं हैं। और धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इससे पूरे केदार का भूगोल बिगड़ता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। जो केदारनाथ में कंस्ट्रक्शन वर्क का जो काम चल रहा है वो लगातार 11 सालों से चलता ही जा रहा है। कई बार इस प्लान के तहत पूरा काम भी किया गया, फिर उस प्लान को रिजेक्ट किया गया, फिर से नया काम हर साल होता जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से केदारनाथ में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इस प्रकार से लगा हुआ है। इस पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे बन रहा है घाट बन रहा है और यहाँ जो दो नदियों का संगम है इसी के ठीक पीछे यहाँ पे घाट बन रहा है और ये वाला पुल जाता है बाबा जी के आश्रम यानी कि बाबा बर्फानी के आश्रम और सामने से पूरे केदारनाथ का पुनर्निर्माण होता जा रहा है। धीरे धीरे केदारनाथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और जो पूरा केदारनाथ का भूगोल हमेशा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जब विकास होगा तो पूरा भूगोल धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। सामने से जो ये वाला रास्ता बन रहा है, ये वाला रास्ता मंदिर जाने के लिए बन रहा है और यहाँ पे पूरी नई इमारतें बन रही हैं। यहाँ पे इससे पहले तीर्थ पुरोहितों के सारे अपने मकान हुआ करते थे, लेकिन सरकार और ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सारे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और फिर से इनका नए रूप से निर्माण हो रहा है, जो कि निर्माण रूप भी काफी तेजी से हो रहा है। अभी मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं और मंदिर की तरफ का पूरा जो अभी तक काम हुआ है और अभी तक कितना कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है और किस प्रकार के अभी केदारनाथ के हाल हैं उनको दिखाने जा रहा हूं। तो कुछ इस प्रकार से केदारनाथ जो मेन ओम से प्रवेश होता है उसके कुछ इस प्रकार से हाल है। कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार जारी है और चलता जा रहा है और अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, देख सकते हैं। ये रास्ता हुआ करता था, रास्ता भी अभी पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, वहाँ से थोड़ा खुला हुआ है और ये पूरा काम लगा हुआ है। देखिए पिछले साल के वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं पूरा फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। बाबा केदार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आस्था पथ बनाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। अभी इस पर बहुत सारा काम बाकी है और इस बार की जो खबरों के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं कि इस बार की यात्रा इस आस्था पथ से होगी, यानी कि जब पिछले साल यानी 2023 की बात की जाए तो 2023 में जो यात्री लोग आते थे वो सभी लोग ओम से होते हुए भगवान श्री केदारनाथ के सामने सामने आते थे, लेकिन इस बार इस आस्था पथ से आएंगे। ये आस्था पथ इस बार कुछ बन के तैयार हो गया है, यानी कि अभी मात्र 50% ये आस्था पथ तैयार हुआ है बन के, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। ये देखिए पूरा काम लगा हुआ है, काफ़ी काम बाकी है,
ये पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार से आस्था फत बनेगा। ये दोनों तरफ से इस प्रकार से पैक है और इस प्रकार बैठने के लिए भी बनाए गए हैं, क्योंकि बीच से बनेगा ये पूरा आस्था फत है, यहाँ से यात्रियों के लिए जाने के लिए बनेगा और यहाँ बैठने के लिए, और इस तरफ भी कुछ इस प्रकार से बैठने के लिए बना हुआ है। ये देखिए, इस बार जो केदारनाथ में कुछ नया हुआ है, कुछ इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे पत्थरों पे इस प्रकार की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये देखिए, केदारनाथ के पीछे दो ठीक भीमशिला है, उसके पीछे कुछ इस प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं। ये देखिए, मंदिर की आकृतियां बनाई गई हैं पत्थरों पे। ये देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत केदार में कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और ये बिल्डिंगें ठीक केदारनाथ के पीछे बन रही हैं। ये देखिए भाई, जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई जा रही हैं। यहाँ कुछ बर्फ भी जमी हुई है और ऐसे ही बर्फ में काम भी हो रहा है। धीरे धीरे केदार में इस प्रकार के लोहे का पूरा अंबार बढ़ता जा रहा है। क्या यह भविष्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक, वो तो खैर आगे ही पता चलेगा। आज के वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको बाबा श्री केदारनाथ की नई वीडियो में। ये देखिए, बाबा केदार के पूरे प्रांगण में श्रद्धालुओं की कितनी ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही भीड़ भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यह पूरी भीड़ सुबह के 3 बजे से लगी हुई है।